नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ दिवांशु शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 5 न्यूज पर। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी अफताब की इंटरनेट हिस्ट्री निकलवाने में पुलिस जुट चुकी है, जिसके चलते पुलिस ने अफताब के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, पेटीएम समेत कई दूसरे ऐप से डाटा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पहले आरोपी जोमैटो से दो लोगों के लिए खाना मंगाया करता था, पर कुछ समय के बाद वह सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए खाना मंगाने लगा। साथ ही अगर बात करें अफताब के लंबे समय से चल रहे पॉलीग्राफी टेस्ट की, तो वह मंगलवार को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद दिसंबर से उसका नार्को टेस्ट शुरू होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर सीधा निशाना साधते हुए गुजरात में चुनाव के लिए जारी किए गए प्रचार में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को रावण की संज्ञा दे डाली। कहा, कॉरपोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके सोमुख है। इससे पहले भी खुद को अछूता और पीएम को झूठों का सरदार बता चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने कारनामों और बयानों के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में ताजा मामला पाकिस्तान के दो पूर्व कप्तान वसीम अकरम और सलीम मलिक से जुड़ा हुआ है। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही अकरम की बायोग्राफी सुल्तान रिलीज हुई थी, जिसमें अकरम ने आरोप लगाए हैं कि मलिक उनसे कपड़े और जूते साफ करवाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अकरम मलिक पर आरोप लगाते हुए सामने आए हैं और कहा है कि अगर मैं स्वार्थी होता तो अपनी कप्तानी में अकरम को टीम में शामिल नहीं करता और ना ही उन्हें गेंदबाजी के लिए मौका देता। सवा साल लंबे चलने के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। इस आंदोलन का मुख्य कारण गन्ने के कम रेट बताए जा रहे हैं, जिसके चलते किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने और गन्ने के भाव समय रहते न बढ़ाने पर जनवरी में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कल दिनांक 1 दिसंबर को आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 9:30 बजे से NSS, NCC, YRC व महिला विंग द्वारा नीफा, HDFC बैंक लिमिटेड पानीपत, रेड क्रॉस ब्लड सेंटर पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। नमस्कार।